हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देख रहे हैं विंडो क्लासेस। कैसे दोस्तों, आई होप बहुत ही अच्छा होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। वीडियो को आप लोग अंत तक ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। डेली बेस पे आपको सुबह 8:30 में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के वीडियो मिलती है। बट आप लोग को भी पता है अब बारिश की सीजन स्टार्ट होने वाली है, इसमें लाइट में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बेल आइकन हिट करके रखिए, इससे आपको वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। अगर लाइट में प्रॉब्लम होती है तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड होगी, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे आप देख सकते हैं किस एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, 30%, 25%, 28%, 27% या इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर टिक करें। समय अगर कम लगेगा तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था। ऑप्शन देखिए दोस्तों, जामुल सीमेंट फैक्ट्री, सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, रेमंड सीमेंट फैक्ट्री, मोदी सीमेंट फैक्ट्री या फिर बिरला सीमेंट फैक्ट्री। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, जामुल सीमेंट फैक्ट्री। आई होप आप सभी लोग को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग को कमेंट करना है जामुल सीमेंट फैक्ट्री कौन से ईयर में स्थापित हुआ था। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, साल का, साजा का, बबुल का या खैर का, कौन से पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथ ही साथ नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में आपने टोटल कितना सही किए ये कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आप डेली बेस पे क्लास लगाते हैं तो CGGK आपका स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, खैर। कत्था बनाने के लिए खैर पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर, राजनांदगांव, कबीरधाम एवं दुर्ग, बस्तर, कांकेर एवं धमतरी, रायगढ़, सरगुजा एवं जसपुर। इनमें से कौन से जिले में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर PSC की तैयारी कराइए, व्यापम की तैयारी कराइए, पुलिस की तैयारी कराइए, तो ये सभी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए हैं। अगर आप जो भी एग्जाम दिला रहे हैं उसमें सिलेबस में अगर छत्तीसगढ़ GK हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अलग सा क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर आपके एग्जाम सिलेबस में छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, रायगढ़, सरगुजा एवं जसपुर, ठीक है। नागेश्वर जनजाति रायगढ़, सरगुजा एवं जसपुर में पाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर अंचल में धनकुल जागर के आयोजन में गायन की भाषा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भाषा पूछा गया है। बस्तर अंचल में धनकुल जागर के समय कौन से भाषा है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, लरिया, हिंदी, हल्बी, सरगुजिया या इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, हल्बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, कथकली नृत्य शैली, कथक नृत्य शैली, भरतनाट्यम नृत्य शैली, उड़ीसी नृत्य शैली या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी आप घराना शब्द सुनते हैं तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए नृत्य, ठीक है। जैसे लखनऊ घराना हो गया, राज घराना हो गया, रायगढ़ घराना हो गया, यहाँ सभी जगह नृत्य होता है, तरह तरह के नृत्य होता है जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपको बताना है रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, कथक नृत्य शैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमरछठ जिसे हम हलषष्ठी कहते हैं, व्रत का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, संतान की दीर्घायु के लिए, पति का दीर्घायु के लिए, भाई का दीर्घायु के लिए, संपत्ति के लिए या इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, संतान की दीर्घायु के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन देखिए दोस्तों, गाय का, बैल का, भैंस का, कृषि उपकरण का, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, कृषि उपकरण। छत्तीसगढ़ में हरेली के त्योहार में कृषि उपकरण का पूजा करते हैं। ठीक है, एक बेसिक चीज बता देता हूँ, इसी त्योहार में बच्चों के लिए गेड़ी बनाया जाता है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए साथियों, हल्बी, अवधी, कोसली, महाकांतरीय, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेन एग्जाम को मेंशन किया गया है, वैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बट यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, कोसली भाषा। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। छत्तीसगढ़ कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध करता है? ऑप्शन देखिए, का, ला, हर, के, या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया था, तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, हर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में डिटेल से देना है। मिनी माता बांगो जलाशय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, इंद्रावती नदी में, हसदो नदी में, रैन नदी में, सबरी नदी में, इनमें से कौन से नदी में स्थित है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।